अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ चुगुर गोश्त। ये चुगुर को मैं धो के साफ़ करके रखी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये कैरी को भी धो के कट करके रखी हूँ लॉस की तरह पीस बना के। ये हल्दी है, ये मिर्ची है, ये तेल है, ये नमक है, ये 6-7 हरी मिर्ची है, एक कोतमीर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये चुगुर है, ये प्याज कट करके रखी हूँ 4 डल्ली धो के साफ़ करके। ये गोश्त 1 किलो है, इसको भी धो के साफ़ करके रख ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्ची है, ये तेल है, थोड़ा सा कोतमीर है, ये 3-4 हरी मिर्ची है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा मसाला डाल चुकी हूँ। अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, अब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ। मेरा प्याज और गोश्त भुने के बाद आप लोगों को बताऊँगी। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, उधर मेरा गोश्त और प्याज भुने के तक मैं इधर चुगुर गला लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैरी डाल रही हूँ, बहुत जल्दी गल जाता है चुगुर। ये चुगुर और ये कैरी गलने के लिए थोड़ा पानी डालूंगी। जब मेरे कैरी और चुगुर गल के बाद आप लोगों को बताऊंगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मेरा गोश्त और प्याज अच्छी तरीके से भुने गया है। चुगुर गोश्त बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए। अब मैं ये गोश्त गलने के लिए थोड़ा पानी डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको 3 सीटी लगा लूँगी, जब आप लोगों को बतलाऊँगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये चुगुर और मेरी कैरी गली नहीं गली चेक कर लूँगी मैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा गलना बाकी है, गल के बाद आप लोगों को बतलाऊँगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, चुगुर और कैरी मेरी गल चुकी है, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, प्याज भी अच्छी तरीके से भून चुकी हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी प्याज और गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, कोतमीर डालूँगी मैं दम पे। ये 2-3 हरी मिर्ची डालूँगी, अब मैं चूल्हा बंद कर लूँगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये कैरी और चुगुर मेरा ठंडा हो चुका है, अब मैं ग्राइंड कर लूँगी इसको, जब आप लोगों को बताऊँगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ, अब मैं ये सालन में मिला लूँगी चुगुर को। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, अब मैं ये चुगुर को सालन में मिला लूँगी। बहुत मज़े का बनता है चुगुर गोश्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरी कैरी चुगुर गोश्त की, आप लोग भी एक बार बना के देखिए मेरी तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्राइंडर भी धोके डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा चुगुर था, अब मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ा भून लूँगी, भुने के बाद आप लोगों को बतलाऊंगी। अब मैं ये नमक डाल रही हूँ, तो दम पे कोतमीर डाल रही हूँ, 4-5 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट औंटा लूँगी इसको, औंटे के बाद आपको बताऊँगा। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मेरा चुगुर कैरी गोश्त बन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे चुगुर गोश्त का सालन इतना मज़े का बनता है, आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए। ये मेरा सालन तैयार हो चुका है, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, इसको रोटी के संगत भी खा सकते हैं, खाने के संगत भी खा सकते हैं। मैं अब आप लोगों को चख के बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यम्मी 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 बना है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।